हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ को कटहरे में लाए, अब आसिफ अली जरदारी की बारी है। इमरान खान ने साफ कह दिया, बोले सिंध में पीपल्स पार्टी की लूट मार नाकाबले कबूल है। अवाम से मिलकर जरदारी टोले का खात्मा कर देंगे अगले हफ्ते। कराची आने का भी ऐलान। मुल्क में आइन की हुक्मरानी कायम करने की कीमत चुका रहे हैं मुखालिफीन, चाहे सियासी इत्तेहाद कर लें मगर हम हालात से घबराने वाले नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाजा साद रफीक का दो टुक मौकफ, कहा हर खुशहाली के पीछे जुर्म नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को वाजे तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। सानिहा मॉडल टाउन की जुडिशियल रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद सियासी हलचल। मुस्तफा कमाल भी ताहिर कादरी से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गए। कहते हैं सियासी बहरान पैदा हो चुका, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ एक शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। नाअहली के बाद नवाज शरीफ अब मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब अब सियासत नहीं कर सकते इस मुल्क में, उनको जो है वो अब मुल्क की आला अदलिया ने उनको नाहल करार दिया। एमक्यूएम लंदन के रहनुमाओं का यादगार शहदा पर आज हाजिरी का ऐलान, इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। आयशा मंजिल से लियाका चौक जाने वाली सड़क 90 और जिनाह ग्राउंड जाने वाले रास्ते बंद। यादगार शहदा पर वाटर कैनन और बख्तर पर गाड़ियां मौजूद। कराची में 90 और अतराफ के रास्ते अचानक बंद होने पर आवाम की मुश्किलात में इजाफा, इंतजामिया के इकदाम। बड़ा हुआ है जैसे कोई यहाँ पर मतलब कर्फ्यू नाफिज हुआ हुआ एक तरीके का। मैं बच्ची को छोड़ने आ जा रहा हूँ स्कूल, तो अब पता चला गया इधर से ही बंद, उधर से ही बंद, हर तरफ से बंद है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो पहले कम से कम अनाउंस करते कि भाई रोड वगैरह सारी सड़कें बंद हैं।